नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ZZ प्लांट के बारे में और डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे हम अपने ZZ प्लांट को अच्छा शाइनी रख सकते हैं और किस तरह से इसको बुशी बना सकते हैं। और प्लस अगर वो मरने की कगार पे हो रहा हो यानी कि सो डल हो रहा हो तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं और उसकी सॉइल मिक्स क्या होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये आप देख रहे होंगे मेरे पास ये कुछ ZZ प्लांट रखे हुए हैं। तो ये वाला ZZ प्लांट ये इस प्लांटर में मुझे मिला था। आप भी अपने घर में लाए होंगे तो इसी तरह के प्लांटर में आपको ZZ प्लांट मिला होगा। तो मैंने किया क्या, देखिए मैंने इसमें से निकाल के इसमें और ये दो प्लांटर्स में लेके आई थी, इनमें मैंने इसको रख दिया। हमेशा अगर ZZ प्लांट आपको लगाना हो तो आप स्क्वायर के ही प्लांटर चूज करिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनमें। और व्हाइट प्लांटर हो तो क्या कहने। तो ये मैं इसमें लेके आई थी तो मैंने इसमें से ये प्लांट ये छोटा सा और एक ये दो छोड़ दिए थे। तो देखिए उनमें से न्यू शूट्स किस तरह से ये निकल आई हैं। बाकी मैंने सारे जो है इसमें लगा दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे जब बहुत बड़े हो गए, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे इन प्लांटर्स में, तो मैंने इसमें कुछ प्लांटर इस छोड़ के प्लांट मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए बड़े वाले। तो मैंने किया क्या था कि राइजोम्स जो इसके होते हैं, आपको पता होगा आलू के शेप के राइजोम्स होते हैं, वो मैंने कट करके इसको मैंने लगा दिया। तो राइजोम्स कट करने की वजह से ये प्लांट देखिए किस कंडीशन में बहुत ही डल हो गया है ये। तो मैं अब इसको करूंगी क्या, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स तो हमारे मरने लगते हैं लेकिन हम उसको सरवाइव नहीं करवा पाते, बचा नहीं पाते। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो मैं करूंगी क्या, मैंने इनको जितने भी ये मेरे हैं, मैं जानती हूँ कि ओवर वाटरिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हुई हो तो आप इनके प्लांट्स की जो सॉइल मिक्स है उसको चेंज कर दीजिए। तो आप सॉइल मिक्स लेंगे क्या, 40% आप गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, 40% आप इसमें डालेंगे सैंड यानी कि मोरंग जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, मोरंग ही इसमें डालिएगा। इसमें बालू मत डालिएगा क्योंकि बालू मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है। देखिए प्लांट जो सॉइल है उसको तो बहुत ही भुरभुरा बना देगा, बहुत ही सॉफ्ट बना देगा, लेकिन करेगा क्या, इसकी जो सॉइल होती है उसको बहुत ही मॉइस्ट रखेगा। तो हमें ऐसी सॉइल नहीं चाहिए, हमें ऐसा सॉइल चाहिए जिसमें से पानी निकल जाए। तो आप करेंगे क्या, होगी गार्डन सॉइल 40%, 40% आप रखेंगे कंस्ट्रक्शन वाली मोरन यानी कि सैंड, और आप 10% रखेंगे परलाइट और 10% आप रखेंगे वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट। तो अब इसमें जो है आप इसकी सॉइल, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रूट रॉट हो गया है तो आप इसकी सॉइल चेंज कर दीजिए। और अब कि मैं क्या करूंगी, अब जैसे कि ये प्लांट बहुत ही मुझे डल दिख रहा है, देखिए लीव्स, इसकी लीव्स और इसकी लीव्स देखिए बहुत, इसकी लीव्स एकदम डार्क कलर की है और इसकी लीव्स बिल्कुल डल सी हो रही है, येलोइश में हो रही है। तो मैं इसको काट लूंगी। ये जो मेरी नाइफ है इसको मैंने स्टेरलाइज कर लिया है हाइड्रोक्लोराइड से, और आप इसको सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं स्टेरलाइज, या फिर आप इसमें डिटॉल भी लगा सकते हैं, सेवलॉन डिटॉल कुछ भी। तो अब मैं इसको जो है काट लेती हूँ। तो काटना कैसे है, बहुत ही जो इसका नीचे का मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जैसे ये प्लांट है तो आप इसमें से एकदम यहाँ नीचे से इसको कट करेंगे जितना हो सके। अगर आप नहीं कट कर पा रहे हैं तो आप इसकी सॉइल थोड़ी सी निकाल लीजिए। तो बिल्कुल नीचे से इसको कट करना है, मैं दिखा देती हूँ काट के आपको, एकदम नीचे से इसको कट करना है। ये देखिए ये मैंने इसको कट कर लिया बिल्कुल मैंने, और ये देखिए यहाँ से आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो अब इसमें क्या करना है, साफ फंगीसाइड लगा देना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये साफ फंगीसाइड है, अभी मैं इसको लगाऊंगी। पहले मैं सब इसको काट लेती हूँ बराबर से। अगर आपको प्रोपगेशन करना है तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर जैसे प्लांट आपका बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इसमें ये इस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। लीव से प्रोपोगेशन बहुत ही टाइम लगता है, लीव से भी आप प्रोपोगेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी लीव्स हेल्दी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज ये लीव है और मैंने इसको काट लिया है, ये मैंने लीव इसकी काट ली, ठीक है, ये मैंने लीव इसकी काट ली। यहाँ से हल्की सी स्टेम भी रहने देंगे, आपको दिख रहा हो तो इस तरह से आपने लीव इसको काट ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस तरह से आप थोड़ा सा इसको गड्ढा कर लीजिए और गड्ढे में इसकी इतना लीव्स इसकी डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको बस इस तरह से लीव लगा लेना, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, 6 महीने आपको लग जाएंगे छोटा सा बेबी प्लांट निकालने में, उसके बाद इतना बड़ा प्लांट लेने में साल भर लग जाएंगे। तो उससे अच्छा ये मेथड है कि आप इस तरह से इसकी कटिंग काट लें। तो सबसे पहले तो जो भी मैंने यहाँ पे कटिंग काटी है मैं सब में साफ लगा देती हूँ। साफ फंगीसाइड बहुत काम आता है, बहुत यूज आता है। इसकी जगह आप किसी भी तरीके का कोई भी फंगिसाइड लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी का यूज कर दीजिए। तो ये मैंने इसको कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही थोड़ा सा डल है तो आप इसको ओवरनाइट आप इसको पानी में भी डिप करके रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो ये इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं इसको पानी से धुल लेती हूँ। इसको मैंने बिल्कुल पानी से धुल लिया है। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई फंगिसाइड आप नहीं लगाएंगे। तो इसको जो है मैंने ये वाटर ले लिया है। याद रखिए कि ये जितना आपने वाटर लिया है, पहली बात तो पूरी बोतल भर के नहीं लेंगे। जो आपका ये है, ये आपका ZZ प्लांट है, सिर्फ इतना यानी कि 2.5 इंच तक इसका पानी में जाना चाहिए। और ये बड़ा प्लांट है तो इसको 3 इंच तक बड़ा जाना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इसमें आप किसी भी तरीके से मार्कर से या फिर आप जो लेडीज हैं उनके पास तो नेल पॉलिश भी होती है, तो ये आप जितना पानी एक बार में भरे उतना आप इस तरह से निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इतना ही पानी भरना है। तो हर तीसरे दिन आप चेंज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप हफ्ते भर में आपको पानी जरूर चेंज करना है। 1 वीक से ज्यादा इसको मत रखिएगा। तो जितना आपने निशान लगाया है उतना ही आपको हर बार पानी भरना है। तो आप इसको 1 to 2 मंथ आप इसको रखेंगे। इस तरह से पानी चेंज करते रहेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम AC चल रहा है तो AC में भी इसको रख सकते हैं। तो अब आप इसको इस तरह से रख देंगे और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और लेकिन इसको जो है आपको ये याद रखना है कि पानी इसका चेंज करते रहिएगा। 2 महीने बाद लगभग राइजोम्स बन जाएंगे। जैसे आलू होता है उस तरह के राइजोम्स बन जाएंगे। जब छोटे छोटे राइजोम्स बन जाएं तब आप उनको जो मैंने सॉइल मिक्स बताई है उसमें आप करके लगा दीजिए। तो आपका प्लांट जो है वो फिर से तैयार हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए ये मेरे प्लांट्स जब बुशी हो जाएंगे तब मैं इनको दूसरा प्लांटर दे दूंगी। इस तरह के ग्रीन लीव्स लाने के लिए आपको इनमें महीने में कोई जरूरत नहीं है कि फर्टिलाइजर दें। 2-3 महीने में भी अगर आप इनको फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो सफिशियंट है। ये ब्राइट लाइट पौधा है तो इसको आप ब्राइट लाइट सनलाइट दीजिए, यानी कि जो खिड़की से छनी हुई धूप आती है वो आप इनको दीजिए। प्लस क्या है कि इनकी लीव्स को किसी सूखे कपड़े से आप साफ करते रहिए। थोड़ा सा आप उसमें जो हैंड वॉश होता है वो मिला लीजिए और उससे आप इनकी लीव्स को साफ करते रहेंगे तो लीव्स इनकी बहुत ही शाइनी बनी रहेंगी। अब इसमें नॉर्मल 2 month to 3 month आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, काउडंग कंपोस्ट डाल दीजिए। नहीं तो आप अगर केमिकल में डालना चाहते हैं तो आप एप्सम सॉल्ट डालिए। एप्सम सॉल्ट वैसे सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसमें और क्या डाल सकते हैं, तो मस्टर्ड केक डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर, तो लिक्विड फर्टिलाइजर में आप नीम खली का भी यूज कर सकते हैं और नीम खली आप डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। बाकी आप और भी NPK भी आप केमिकल में आप NPK भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है इसको फर्टिलाइजर की इतनी डिमांड नहीं रहती है। आप 3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे मैं टाइम टाइम से फर्टिलाइजर आपको बताती रहती हूँ तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और आपको पता चलता रहेगा कि मैं इसमें कौन से फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।